तो काफी मजेदार है ये भी। ये यमुना रिवर पार्क के बीच का एरिया, वाटर सिस्टम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं चौधरी चरण सिंह कालिंदी उद्यान। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और देखते हैं क्या रहता है अपना आज का एक्सपीरियंस। दोस्तों पहुंच चुके हैं हम नौ नंबर पार्क और ये पीछे का इसका टिकट खिड़की है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से टिकट ले लेते हैं और देखते हैं क्या रहता है अपना आज का एक्सपीरियंस और चलते हैं अंदर। दूर तक ये पूरी पार्किंग है इसकी और ये सामने ऑटो स्टैंड है। ये है कुछ ज्ञान की बातें, इधर टिकट मिलेगी हमें। ये अपना एंट्री गेट है और ये पार्क है पूरा। और ये लिखी है कुछ ज्ञान की बातें। तो हम आ चुके हैं नौ नंबर पार्क के अंदर और ये पूरा एरिया नौ नंबर है। ये बहुत बड़ा है, तो बन रही है इस ब्लॉग के साथ और आनंद लेते रहिए इस ब्लॉग का। देखते हैं क्या कैसा रहता है अपना इस ब्लॉग में एक्सपीरियंस। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं ये पार्क। ये एंट्री गेट के जस्ट सामने ही बच्चों के खेलने के लिए झूले लगाए गए हैं बहुत सारे। ये बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों के खेलने की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर झूले वगैरह हैं। तो आप अपने बच्चों को ला सकते हैं और आपका बच्चा यहाँ फुल आनंद उठा सकता है। पूरा पार्क घूमते हैं। शायद आज ठंडी है इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगे हुए हैं, डस्टबिन है, उन्होंने डिजाइन करके बनाया गया है। बहुत सारे एनिमल्स के डिजाइन में बनाया गया है इन्हें, तो काफ़ी मज़ेदार है ये भी। ये विजिटर टॉयलेट है जो यहाँ पर लोग आते हैं उनके लिए। मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर पेंगुइन की तरह डिजाइन किया गया है। यहाँ पर साफ सफाई चल रही है पार्क की। देखिए पेड़ काट के ला रहे हैं वो। ये यहाँ की कैंटीन है, ठंडी है इसलिए बहुत ज्यादा भीड़ है। दोस्तों ये पार्क जो है एवरीडे खुला रहता है 6 AM to 9 PM। बच्चों के साथ बड़े भी झूलने का आनंद उठाते हुए यहाँ पर। इधर एक और वॉशरूम है, ये अटलांटिक वाटर वर्ल्ड। और वाटर शो वगैरह होता है जो यहाँ पर पानी सूखा हुआ है। यहाँ पर एक और जो बहुत बढ़िया चीज है जो ये पीछे देख रहे हैं आप, वाटर शो होता है यहाँ पर, रात के टाइम होता है। तो रात को आपको दिखाएंगे। तो जब तक के लिए बन रही है इस ब्लॉग के साथ। Thank you.
चाइनीज लोग, ये देखिए उनका गाइड है साथ में। ये नोएडा के साइड का कॉर्नर है। ये पार्क के बीच का एरिया जहां मैं खड़ा हूँ। ये वाटर सिस्टम है जो अभी सूख चुका है। ये यमुना रिवर, और ये पेड़ को काट के डिजाइन किया गया है। ये यमुना रिवर के साइड का एरिया है। ये होता है यहाँ पर, जो आपने पार्क देखा यहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी रहती है, और नाइट के टाइम अभी थोड़ा जो शाम हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर वाटर शो स्टार्ट होगा। अब चलिए करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। दोस्तों चौधरी चरण सिंह जी को आप सभी जानते होंगे, ये अपने भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर। इनके पिताजी का नाम मीर सिंह था। दोस्तों इनका जन्म कब हुआ अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, इससे हमारी वीडियो रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप बन जाए हमारे यूट्यूब फैमिली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ। पानी में बिजली के तार फैले हैं। डू नॉट टच द वाटर। अंदर है और चलते हैं बाहर टिकट की तरफ बढ़ते हुए। जब थोड़ी कम हो गई है, बाहर आ चुके हैं, तो फटाफट से दोस्तों कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। और तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।